Hi guys, welcome back to my channel and another video. So yes, हमारा अभी morning day है, हम लोग morning में shoot करने जा रहे हैं because हमने movie देखी थी इससे पहले वाले vlog में, तो हम लोग सोए नहीं थे, तो हमने सोचा कि कुछ सोने से अच्छा कुछ ज़्यादा अच्छा कर लेते, तो हम लोग अभी shoot करने जा रहे हैं. अभी shoot का जो location है मुझे ज़्यादा पता नहीं है, सचिन भाई को पता है, और भाई अब सोच ही लिया है तो फिर उस चीज़ को कर भी डालते हैं. तो बस मैंने थोड़ा सचिन भाई के कपड़े पहने बिकॉज मैं अभी घर नहीं गया था, सचिन भाई के घर पे था, बिकॉज मैं जाता फिर आता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई के कपड़े पहन पहन के अपन शूट वूट खत्म करके अपने नेक्स्ट वाले शूट पे चलेंगे. तो पहले ये शूट खत्म कर लेते हैं, फिर 2-3 घंटे आराम करूंगा, फिर उसके बाद मेरा 4 बजे का शूट है तो वहाँ पे भी चलेंगे. उससे पहले हम लोग ये शूट खत्म कर लेते हैं, बाकी उससे पहले हम लोग निकल लेते हैं. लोकेशन पे पहुंच गए, ठीक है, बस वो लोग आ रहे हैं. बाकी ये हमारी लोकेशन है, यहाँ आज हम लोग शूट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेफिटी वॉल है. ग्रेफिटी वॉल कैसी होती हैं, क्यों होती हैं, किस तरीके की होती हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ. ग्रेफिटी वॉल होते हैं, इन पे पेंट वेंट नहीं कर देते, मच्छर की तरह छाप देते हैं यूँ करके, ये हैं ग्रेफिटी वॉल. तो यहाँ हम लोग शूट करने वाले हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला रील, तो जाके ज़रूर देखना. कभी कभी फंबल हो जाता हूँ तो उस चीज़ को भी इग्नोर करना. लाइफ में पता नहीं कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मेरा और सचिन भाई का, हमारे हिमांशु भाई ने एक वीडियो तो फाइनली ख़त्म कर दिया. और सुबह सुबह पड़ रही है प्यारी प्यारी मीठी मीठी धूप, और सुबह सुबह पड़ रहा है ये बारिश. हे भगवान, देख रहे हो, पता नहीं क्या बीमारी है, क्या कलंक है, क्या दुर्भाग्य है मेरा. अति ही बारिश पड़ जाती है, सुबह सुबह ही पड़ गई. उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई, जब से मैं घर से आया हूँ ना, घर से आने के बाद ज्यादा पीछे पड़ गई है बारिश मेरी. वहां पे तो हो नहीं रही थी 1% भी, एक बार हुई थी वो भी खतरनाक. देख रहे हो पानी, देख रहे हो तुम्हारे भाई के बालों पे, मेहनत करके आयो मेहनत. सुबह सुबह सोया भी नहीं हूँ, कल रात से सोया भी नहीं हूँ क्योंकि रात को शूट वूट भी, मतलब शूट वूट के लिए कॉन्सेप्ट रेडी करना, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस रेडी करना, दोनों की एनर्जी मैच करना, दोनों के स्टेप मैच करना, दोनों की वाइब मैच करना, दोनों का ग्रूव मैच करना, इतनी सारी चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है हमें, तब जाके हम 15-30 सेकंड की रील बना पाते हैं आप लोगों के लिए, समझ रहे हो. कभी कभी जब मैं फ्री रहता हूँ या कंटेंट नहीं रहते तब जाके मैं वो चीज़ बनाता हूँ, वरना मैं भी नहीं बनाता. आप लोगों को सबको पता है, इतने भी मेरे सब्सक्राइबर्स ना, उनमें से 50% लोगों को ये रील बहुत पसंद आएगी, तो इंस्टाग्राम पे जाके जरूर देखना, बहुत मजा आएगा. सुबह तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, बट मैंने जैसे बोला था कि अभी मेरा शूट है दूसरा वाला, तो बस वही मैं आया हूँ अभी शूट करने के लिए. एंड हमारा एक क्यूटी पाई आने वाला है, क्यूटी पाई, तो वो सेकेंड फ्लोर पर हमारा क्यूटी पाई, तो उससे मिलने चलते हैं. हमारा सेम भी हमें मिल गया है. ये देखो, ये एक्चुअली शादी में जा रहा था, शादी में जाते जाते मैंने इसको पकड़ लिया. भाई किसकी शादी में जा रहा था, किसकी पता नहीं, वो तो शादी में देखा. हम पूरे 1.5 साल के बाद मिल चुके हैं, मिल चुके हैं, याद रखना हम लोग 1.5 साल के बाद मिल चुके हैं. हाँ, और अभी ऐसे मिलते रहेंगे, पर आज हम लोग रील बना रहे हैं. हाँ, शूट बोला कर यार, रील अच्छी लगती है, रील बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं हम लोग. बस अभी हमें कोरियोग्राफी वोग्राफी करनी है. हमारा सोमू आ गया है, उसकी माता श्री भी आ गई हैं, और इसकी और ना सुमांश की मम्मी बोलती है कि जब जब सुमांश के सामने वो रहती है ना, उसे कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो उसकी मम्मी ना गेट के अंदर घुस जाती है जब भी सुमांश को एक्टिंग करनी होती है. तो ऐसा नहीं है ना सुमांश, वैसे मुझे पर है मेरे पास सारी की सारी, तेरी मम्मी को भेजूंगा देख. पहले थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, हंसी मजाक तो चलता रहेगा हमारा. हमारा शूट कैसे कैसे हुआ है वो सब मैं बता सकता हूँ. ये लाइट खराब, ये लाइट खराब, यही चालू थी, इस वाइट से हम लोग चला रहे थे. ये भैया बोले मुझे लाइट के लिए बुला लेना, देखो मिस्टर इंडिया बन रहे भैया. बताओ कैसे कैसे लोगे अब, मैंने शूट कैसे कैसे करके आया वो सिर्फ मुझे ही पता है, करके क्या है वो सिर्फ सुमांश को ही पता है, मुझे भी नहीं पता. हाँ, आंटी ने बहुत मेहनत की, आंटी ने प्ले किया, फिर वो हटाया, फिर खुद कैमरामैन बनने का ट्राई किया, उसमें फेल हो गई, तो फिर वो सॉन्ग वाली बन गई, चुपचाप से बैठ गई. बाकी फाइनली शूट खत्म हो गया है, अब बाहर चलो, अब तो सब फेक दो इनका. शूट खत्म, उसके बाद ये एसी, ये इनका एसी नहीं चल रहा था. वो अंकल जी थे कुछ 56-58 साल के, वो पता
वो 36 पे 30 पे करके चले गए, उन्हें बोला हवा क्यों नहीं आ रही है। अरे निकलने तो दो भाई हमें, यही है वो शख्स जिन्होंने ये सब। हाँ हैं वो भाई साहब अंकल जी लड़कियों की फोटो देख रहे थे, बताओ सही है, उम्र है उनकी देखने की। हाँ सुमांश की मम्मी, ऐसा मूवी देखने का प्लान है इनका जवान, सुमांश का और उसकी मम्मी का। तो उनकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि कैसी थी मूवी, मतलब तू देख के आया था? तो मैंने बोला हाँ आंटी बहुत अच्छी थी, उसमें जॉनी लिवर, अमरीश पुरी, कादर खान सब थे। तो उनका ये रिएक्शन नहीं था कि अरे यार वो दोनों तो मर गए, उनका ये रिएक्शन था अच्छा वो थे क्या, ओहो वाह वाह आंटी अरे यार। फिर मुझे बोलते हो कि मस्ती करता है उससे। अमरीश पुरी कब का चला गया, कादर खान जी कब के चले गए, बोला अच्छा वो भी है। पहले हो गई थी अभी रिसेंटली शूट करता हुआ उसका, झूठ बोल रहा है। वाह आंटी यार अलग ही गजब गजब इंसान हो आप। फाइनली अपने बिल्डिंग में आ चुका हूँ और इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ बिकॉज मैं कल से सोया नहीं हूँ, कल से हम लोग शूट वूट में लगे हैं और शूट फाइनली अच्छा हो गया है और बहुत अच्छा। आप लोग जाओ जल्दी से, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है। बाकी मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना कि मुझे ब्लॉग जाते जाते ही एंड करना पड़ेगा। तो भाई वही है, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।